सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। शिक्षक एमएलसी चुनाव में फर्जी वोटर बनाने का आरोप, 100 से अधिक फर्जी वोटरों की लिस्ट झांसी कमिश्नर को सौंपी, होगी जांच। लखनऊ में महिला पर 7 कुत्तों का हमला, अपार्टमेंट के कैंपस में इवनिंग वॉक पर कर रही थी, पैर पेट में काटा, अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर जेल में युवक की मौत पर उठे सवाल, गले पर कैसे आए रस्सी के निशान, सरेंडर के 36 घंटे के अंदर कैसे मौत हो गई। इथियोपिया से वतन वापसी पर परिजन हुए खुश, पिता के आजमगढ़ पहुंचने पर बेटी बोली बहुत खुश हूं, अब घर में त्योहार जैसा माहौल। मेयर की कुर्सी के लिए लखनऊ में डेरा मेयर उमेश गौतम अपनी सीट बचाने में जुटे, दूसरे भाजपाई खुद के लिए लगा रहे ताकत। बीएचयू में फेल छात्रों को बना दिया गोल्ड मेडलिस्ट, दीक्षांत से पहले छात्र बोला सबसे ज्यादा स्कोर मिला मगर नहीं मिल रहा है पदक। बदायूं में पुलिस पर पथराव, जमकर चले लाठी डंडे, 6 पुलिसकर्मियों को लगी चोट, पेट्रोलिंग के लिए निकली थी टीम। आजमगढ़ में किन्नर ने रचाई लड़के से शादी, 1.5 साल पहले परवान चढ़ा था प्रेम, भैरव बाबा का साक्षी मान कर लिए अग्नि के फेरे। नोएडा पुलिस के 110 बकरा और बकरिया गायब, 2021 में पुलिस ने पिकअप से पकड़े थे बकरे, कोर्ट के आदेश के बाद करनी है वापस। अम्बेडकर नगर की 902 ग्राम पंचायतों में ठप पक्के काम, ग्राम पंचायतों को कामों का 17 करोड़ बकाए, प्रधान अधिकारियों का लगा रहे चक्कर। बरेली में नाबालिग से रेप के प्रयास का आरोपी अरेस्ट, घर में घुसकर किशोरी से जबरन किया दुष्कर्म का प्रयास। एएमयू का कश्मीरी छात्र हुआ लापता, सिटी स्कूल के 10वीं का है छात्र नदीम तरीन, हॉल में मौसेरे भाई के साथ रहकर करता था पढ़ाई। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के घर कुर्की का नोटिस, चस्पा इंद्रानगर में घर पर चिन्हट और में फार्म हाउस पर पुलिस ने लगाया तलाश तेज। निकाय चुनाव के लिए तय हुई अधिकारियों को जिम्मेदारी, कानपुर में हर एक अधिकारी 6 वार्डों में कराएंगे चुनाव। उन्नाव में माघ मेला में 24 दिन बंद रहेगा टेंडी, 6 जनवरी को हम पहला और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा अंतिम स्नान। काशी तमिल संगम ट्रेन चलाई जाएगी, रेल मंत्री वाराणसी जंक्शन पर बोली 12 से 13 महीने में बनने लगेगी स्लीपर वाली वंदे मातरम। कुशीनगर में जीएसटी टीम के भय से बाजार बंद, व्यापारी 5 दिन से खोल रहे हैं दुकान, बोली बिना वजह किया जा रहा है परेशान। एक साल के लिए बंद किया गया रास्ता वाराणसी और भदोही के बीच कंदिये, रेलवे क्रॉसिंग पर बनाया जाएगा आरओबी। परिवार के साथ अमरोहा पहुंचे अभिनेता मनोज वाजपेयी, ब्रजघाट में किया मां का अस्थियों का विसर्जन, 8 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था अंतिम संस्कार। ललितपुर में युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती, बड़े भाई ने कहा छोटे ने खुद मारी गोली।
जुबैर के घर से चल रहा नशे का धंधा, मुरादाबाद में ड्रग विभाग ने छापा मारकर जब्त किए 2400 बोतल कोल्ड स्टार सिरप। औरैया में नहर में गिरी बाइक, दो भाई घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराए भर्ती, बहन की शादी में शामिल होने जा रहे थे फम्फूत। सड़क हादसे में रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मौत, चार घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बारात में शामिल होकर लौट रहे थे घर। बरेली एसएसपी ने 18 थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्र बदले, कानून व्यवस्था न संभाल पाने में 5 इंस्पेक्टर चार्ज से हटाए। रायबरेली में नाती ने बुजुर्ग को बनाया बंधक, 15 दिन बाद जमीन का बैनामा करने ले गया तहसील, पुलिस ने कराया मुक्त। आज नगरी आगरा में मोटरसाइकिल सवार अपराधी हुए बेखौफ, सेंट फ्रांसिस स्कूल से लौटते वक्त महिला के साथ एमजी रोड पर हुई लूट। जीएसटी टीम की जिले कई जगह छापेमारी, छापेमारी में व्यापारियों में जबरदस्त खलबली। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सीएम योगी ने सुनी सभी की फरियाद, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। लखीमपुर खीरी में किसान नेता की आत्मदाह की चेतावनी के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, किसान नेता श्यामू शुक्ला ने किया आत्मदाह करने का प्रयास। चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने के बाद चुनाव की तैयारी तेज, कांग्रेस की पुरानी टीम कराएगी निकाय चुनाव। और आया में सरकारी जिला अस्पताल बना, शराबियों का अड्डा, रात होते ही शराबी लोग यहां आकर करते हैं दारू पार्टी। आजमगढ़ के युवा ने कर दिया गजब का आविष्कार, 12,000 में तैयार कर दी 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक, ₹10 में चलती है 160 किलोमीटर। और आया सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं समिति के कर्मचारी, डीएपी की मारामारी के बाद उर्वरक पर हो रही कालाबाजारी। बुलंदशहर में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान, बोली नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। गाजियाबाद में टहल रहे पत्नी के साथ प्रोफेसर को कार सवार ने मारी टक्कर, हादसे में प्रोफेसर घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा में यूपी बोर्ड परीक्षा में दोहरे आवेदन का खेल, हाई स्कूल के 29 छात्रों ने दो जगह किया आवेदन, यूपी बोर्ड ने ऐसे 58 कॉलेजों को किया चिन्हित। गाजियाबाद में विदेशी बच्चे के साथ होटल में कुकर्म का प्रयास, परिवार के साथ शादी में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया से गाजियाबाद आया था। गोंडा में सड़क किनारे गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर को आई हल्की चोट, लोगों ने ड्राइवर को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का चाबुक, कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में मचा हड़कंप। फर्जी मुठभेड़ में गोली मारने का संगीन आरोप, डीएम से शिकायत कर पीड़ित परिवार ने की न्यायिक जांच की मांग। रायबरेली में प्रयागराज से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग लगने से बस स्टेशन में मची अफरा तफरी।
कानपुर में आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव की पावन मेला में डीएवी कॉलेज में हुआ प्रारंभ। कानपुर के रक्षा व स्त्रोतजनी का अध्ययन। रायबरेली में प्रसूता के प्रसव के दौरान जच्चा की मौत, बच्चा स्वस्थ, परिजनों ने लगाए अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप। लखनऊ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अवधि कहानी लेखन तथा अनुवाद कार्यशाला का हुआ आयोजन, छात्राओं ने अवधि भाषा को सुना और समझा। रायबरेली में एक्सपायरी खाद्य मसालों की रीपैकिंग का खुलासा, 15 लाख का जुर्माना, 3 साल पहले खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई। राजधानी लखनऊ में सालों से धूल फाक रही सब्जी मंडी, सब्जी मंडी स्थल होने के बावजूद रोड पर करते रोज लगती है अतिक्रमण। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े रोटावेटर से एक बाइक बाद दो बाइक सवार को मारी टक्कर, 4 गंभीर रूप से घायल। संभल के गोनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की नहीं मिल रही है सही इलाज। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिवार में मचा कोहराम। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के पैर में लगी गोली, युवक गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। राजधानी लखनऊ में फिर बड़ी डेंगू मरीजों की संख्या, बीते 24 घंटों में 26 नए मरीजों की हुई डेंगू की पुष्टि। बुलंदशहर में घर से स्कूल जा रही 16 वर्षीय किशोरी को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, छात्रा की हुई मौत, पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में लिया। लखनऊ में नगर सुशोभन अभियान की खुली पोल, आवासीय कॉलोनी के खाली प्लाटों को बनाया गया कूड़ा डंपिंग ग्राउंड। कानपुर में पूर्व प्रधान अशोक निषाद का सोशल मीडिया पर असलाह प्रदर्शन कर विपक्षियों को डराने का करता है प्रयास। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बड़ी लापरवाही, लोहिया अस्पताल में कैंटीन में चूहों का आतंक, मरीजों और तिरमादारों की सेहत के लिए से खिलवाड़ हो रहा है। कानपुर में दलित बेटी की शादी में दबंगों का तांडव, लाठी डंडों से किया शादी में आए लोगों पर हमला, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। निकाय चुनाव में जुटी समाजवादी पार्टी, मैनपुरी व खतौली में जीत के बाद बढ़ी उम्मीद, सपाइयों में दिखा उत्साह। कानपुर सड़क हादसे में 26 श्रद्धालुओं की मौत के बाद भी लापरवाही का आलम, ट्रैक्टर ट्राली में सवार लोग पहुंचे मेला प्रांगण। आजमगढ़ में गोली मारकर छिनैती करने के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी 2 गोली। गाजीपुर में गैस सिलेंडर फटने से 2 घायल, गैस वेल्डिंग दुकान में फटा सिलेंडर, वेल्डिंग करते वक्त हुआ हादसा। बिजनौर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान, पुलिस ने अभियान के तहत शातिर चोर को किया गिरफ्तार। दूल्हा समेत नाले में गिरी बग्गी, घोड़े की मौत, एटा चुंगी चौराहे के पास आई थी बारात, दूल्हा भी नाले में गिरा, सीसीटीवी में हो रहा है वायरल।
मऊ में अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ रहा है प्रदूषण। नदी किनारे कूड़ा डालकर लगाई जा रही आग, शिकायत के बाद भी समाधान नहीं। देश को विकसित कराने में युवाओं की भूमिका अहम, गोरखपुर में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। शाहजहांपुर में करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, महाविद्यालय के पूर्व प्रचार से 35 लाख ठगे, गैंग के अन्य सदस्यों को तलाश रही है पुलिस। संभल में सड़क हादसे में महिला की मौत, डंपर ने स्कूटी में मारी टक्कर, अनूप शहर रिश्तेदारी में जा रहा था दंपत्ति। सुल्तानपुर में ब्लॉक प्रमुख के घर पर ग्रामीणों का घेराव, महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप, प्रमुख बोले आरोप बेबुनियाद। पाकपन में किसान की हत्या, खेत में मिला शव, बलकटी से काटा गला, फरार नौकर पर हत्या की आशंका, तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर में निकाय चुनाव के पहले पुलिस विभाग में फेरबदल, प्रभारी सहित 23 दरोगा का तबादला, सीओ तालबेहट थानाध्यक्ष बार भी हटाए गए। मैनपुरी में पेड़ से लटके मिले प्रेमी प्रेमिका के शव, ग्रामीण बोले परिवार के विरोध के चलते ने अपनी जाने दे दी दोनों। महोबा में दो बैंक कर्मी सहित 3 की मौत, कार व दरवाजा खुलने पर बुलेट टकराई, पिता की अस्थि विसर्जित करने जा रहा था कार चालक। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने पर कराया अबॉर्शन, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी। ग्रेटर नोएडा में 3 बाइक चोर गिरफ्तार, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलाते थे चोरी की मोटरसाइकिल, फिर बेच देते थे। सुल्तानपुर में 30 घंटे बाद मिला महिला का शव, गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया, घर से एक दिन पहले सुबह निकली थी। अंबेडकर नगर में बीओआई शाखा में लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने पाया काबू, बैंक बंद होने से मची जनहानि। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।